ये बढ़ाना के बाप दादा की सीट रह गया। कौन है बढ़ाना? हम गुजर हैं। बढ़ाना के बाप ने भी यहाँ से लड़े हुए बन गया, अब ये बनने आ गया। कल उसका करतार सिंह बढ़ाना का पोता होगा। कल कौन बढ़ाना भी तो है, वो भी तो गुजर नहीं समझते। हम नहीं समझते, बाहर का आदमी आने का हमारे गाँव में वो करेगा, हम कैसे समझेंगे उसको? मेरे सुलकाने का 90-95% गुजर शशिकांत के साथ है, अगर बीजेपी टिकट देती है तो। और रही बात हलके की, हलके ही बहुत से गुजर है। ये 15 साल से दान पुण कर रहा है, ये 15 दिन में आ गया। ये बढ़ाना 15 साल की कमाई लूट के ले जाएगा इसकी। अगर ऐसा हो गया तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं चढ़ेगा, हलके में 100 की लहर तोड़ेगी। और शशिकांत के लिए ये हलका ये कहेगा कि बहुत बुरा होया। और बीजेपी के ने कोई मोल थोड़ी रखा है, हलका गुजर गुजर से चिढ़ रहा है, इसने बदनाम कर दिया गुजर। जो गुजर है विधायक है, मैंने वोट दी, इसने भी दी, सबने वोट दी, डट के थे हम शशिकांत के खिलाफ थे। लेकिन शशिकांत कौशिका भाई टक्कर दे रहा था, जीतेगा शशिकांत कौशिक, जीतेगा बढ़ाना 7:30 बजे दबा देगा। बढ़ाना 7:30 बजे धर्मानू का दिया चल जाने करो, फली दबा देगा, नेट गाड़ी करवा देगा उसकी 7:30 बजे। 7 बजे पोलिंग चल लू। अरे पहली तो बात, कोई जाट चुनाव नहीं लड़ रहा था, और जब कोई जाट चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस हारती है। फुलपति ने लड़ा जब कांग्रेस हारी थी, और अलावत ने लड़ा जब कांग्रेस हारी थी, मनोज जोशी ने लड़ा जब कांग्रेस हारी थी, और रविंद्र मसौली ने इलेक्शन लड़ा जब कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस नहीं जीतेगी अगर। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। संभालका विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ, और संभालका विधानसभा का ये बहुत ही चर्चित गाँव है चुलकाना, जहाँ पर जो है यहाँ पर धाम भी है खाटू श्याम जी का, उसके नाम से भी चुलकाना जो है कई प्रदेशों में वे देशों में इसका नाम है। तो बातचीत करेंगे यहाँ की जनता हमारे साथ में, चुलकाना के लोग हैं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस से अभी जो है धर्म सिंह छोकर जो कि यहाँ के विधायक हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जो है अभी तक यहाँ पर जो है कोई घोषणा नहीं की, और ना ही अभी तक जो है टिकट हुआ है। इस चीज़ को लेकर भी हलचल है कि भारतीय जनता पार्टी किस पर भरोसा जताएगी, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं उस पर भरोसा जताएगी कांग्रेस, या फिर कोई नया चेहरा होगा। तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? रकम सिंह छोकर। अच्छा छोकर साहब, मुझे बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? सबसे पहले माहौल तो भाई शशिकांत का है। कौन? शशिकांत कौशिक। शशिकांत कौशिक। शशिकांत कौशिक के अलावा जो है मनमोहन बढ़ाना जो कि करतार सिंह बढ़ाना के पुत्र हैं, वो भी है, और उसके अलावा एक दो नाम और चल रहे हैं। ऐसा है, ये बढ़ाना के बाप दादा की सीट है क्या? कौन है बढ़ाना? हम गुजर हैं। बढ़ाना के बाप ने भी यहाँ से लड़े हुए बन गया, अब ये बनने आ गया। कल उसका करतार सिंह बढ़ाना का पोता होगा, कल पड़ पोता होगा, ये हल्का उसका बह करा दे। ऐसा है, अगर शशिकांत को टिकट मिलती है बीजेपी की तो ये सीट निकलती है, नहीं बिल्कुल नहीं निकलेगी। ये लिख के ले लो, लिख लो। आप तो गुजर समाज से हैं। गुजर समाज से हैं। अगर शशिकांत बीजेपी से ये सीट निकाल सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है, और एक महीने बाद चुनाव है फिर याद भी कर लियो। गुजर समाज वोट दे देगा? समाज है, गुजरी है, गुजर है, खुल का है, गुजर समाज खुल का वोट देगा। हाँ, इसके अलावा कोई सीट नहीं काट सकता, काट देगा शशिकांत, काट देगा, और बाकी भूल है बीजेपी का। कर भी तो है सामने। अरे बेच सकता हो, इससे नीचे है। हाँ, जो काट देगा शशिकांत ही काट सका सीट ने। हाँ, और शशिकांत को अगर टिकट हो गुजर समाज साथ में लग जाए। गुजर भाई उसके साथ है, गुजर भाई हम उसके साथ है, शशिकांत के साथ है। हाँ, और 3 सीट भी वही काट देगा। लेकिन मनमोहन बढ़ाना भी तो है, वो भी तो गुजर नहीं समझ दे। हम नहीं समझते, बाहर का आदमी आने का हमारे गांव में वो करेगा, हम कैसे समझेंगे उसको? मेरे गांव का मेरा भाई है, अपराधी से ले रहा है, अपने भाई कर रहा है, भाईचारा आके ना दो प्लान से हट लिया हो, आप कैसे इसको बना कर छोड़ेंगे? सारा काम उसके साथ है। लेकिन पहले जो है उनके पिताजी भी तो यहाँ से MLA रहे। ओ उस टाइम कुछ और लहर थी, वो टाइम गया, कुछ वो टाइम गया, जो पहले कुछ लोग थे ना वो थे, भड़क रहे थे, पढ़े लिखे को थे, ये बालक सब पढ़े लिखे हो गए हैं। तो आप तो बीजेपी की शशिकांत की ही है। एक चीज बताइए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे गुजर समाज से, अलग भी है कोई? अलग भी हैं, अलग भी हैं, गुजर भी हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, चुलकाने का 90-95% गुजर शशिकांत के साथ है, अगर बीजेपी टिकट देती है तो।
और रही बात हलके की, हलके ही बहुत से गुजर है। ये 15 साल से दान पुण कर रहा है, ये 15 दिन में आ गया है ये बढ़ाना, 15 साल की कमाई लूट कर ले जाएगा इसकी। अगर ऐसा हो गया तो पूरे गांव में चुल्लानी चढ़ेगा, हलके में 100 की लहर तोड़ेगी। और शशिकांत के लिए ये हलका ये कहेगा कि बहुत बुरा होया, और बीजेपी के ने कोई मोल थोड़ी ले रखा है, हलका शशिकांत के साथ है और किसी के साथ नहीं है बिल्कुल भी। एक महीने के बाद चुनाव है, आप देख भी लेना। मैं रकम सिंह चुलकान है बोल रहा हूँ, बीजेपी की 100% हार होगी अगर किसी और को टिकट दे दिया तो। शशिकांत जीत सकता है, शशिकांत ही काट सकता है, ये 15 साल से सेवा कर रहा। शशिकांत को पहले भी टिकट हुआ, उसके पहले भी वो जीत नहीं पाए, फिर दोबारा से बीजेपी कैसे भरोसा जाता है? एक मिनट, उस टाइम पहली तो बात कोई जाट चुनाव नहीं लड़ रहा था, और जब कोई जाट चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस हारती है। फुलपतियाँ लड़े जब कांग्रेस हारी थी, और अलावत ने लड़ा जब कांग्रेस आ रही थी, मनोज जोशी ने लड़ा जब कांग्रेस आ रही थी, और रविंद्र मसौली ने इलेक्शन लड़ा जब कांग्रेस आ रही थी। कांग्रेस नहीं जीतेगी अगर शशिकांत को टिकट मिलता है, अगर शशिकांत को टिकट नहीं मिलता फिर से भाई कुछ भी हो कुछ भी बीजेपी नहीं बनेगी। बीजेपी नहीं तो शशिकांत को नहीं टिकट मिला ना, फिर का कोई बनो शशिकांत या के नाम यूँ नहीं बनेगा। आप कह रहे कि आप गुज्जर समाज से हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि अगर यहाँ पे टिकट होता है, मतलब कि किसी का भी गुज्जर का टिकट होता है, गुज्जर समाज उसके साथ ही जाता है, उसके अलावा जो है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिछली दफा ये भाई भी कांग्रेस में था, मैं भी कांग्रेस में था, थे कांग्रेस में, लेकिन अब इसकी सेवा देख कर, इसकी भाव देख कर है, और जितना दान पुण 15 साल से ये कर रहा है, हम भी इसके कायल हो गए भाई, हम भी इसके दीवाने हो गए। और रही बात एक, अगर बीजेपी इसको टिकट नहीं देती है तो ये सीट हारेगी, 100% हारेगी। हाँ ये लिख के ले लो कोती। हमने इसके था भाई शशिकांत नहीं था, हम उसके साथ कांग्रेस के साथ रहे थे गुज्जर भाई, लेकिन अब जब दोबारा हार लिया और इसका हमने था सारे गांव का ये हो रहा, अब बोल हो रहा भाई हम शशिकांत को बना के लेंगे, मारे मारे गाँव का नहीं जी, अपने 27 गाँव का हल्के का, तो बोल ये है भाई हम शशिकांत को बनाएंगे 100 का 100। मुझे बताइए आप शशिकांत की बात कर रही है, आपके पास में ऐसा क्या समीकरण है कि अगर शशिकांत को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो वो जो है ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालते हैं? हम दावे से कहते हैं, दावे से कहते हैं, खूब चैलेंज से कहते हैं, शशिकांत को टिकट दो ना बने, फिर अपने जिंदगी में अपनू का जो ये लड़के क्या कह रहे थे, हम इसका मरा ना छोड़ देंगे। और बताओ आपके पास क्या समीकरण है? समीकरण हमारे पास ये है, बीजेपी कांग्रेस तो कह रही है गुज्जर को देगी, एक जाट आ गया ये जीतेगा, और इसमें गुज्जर जाट का भी नहीं भाई, सेवा देख कर, इसके सेवा भाव देख कर, पूरा हल्का जिस दिन इसको टिकट ना देगी बीजेपी पूरा हल्का रहूगा, ये तेरे तो बता दिया, गरीब आदमी का विश्वास उठेगा इस पार्टी में, नहीं उठेगा। अगर सर्वे के आधार पर और जनता के आधार पर टिकट देती है बीजेपी तो शशिकांत को देगी, अगर इसके मतलब सर्वे के और नैतिकता के हिसाब से टिकट नहीं दिया और वैसे दिया 2 नंबर में, तो भाई किसी को दे सकती है? हाँ वो 2 नंबर का टिकट होगा, ये बता दीजिए आपको बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार टिकट तो दिया है। अरे भाई उस टाइम समझे, उस टाइम ना तो इतने गुज्जर थे इसके साथ, गुज्जर गुज्जर के साथ चले गए, अब की बार ऐसा नहीं है, गुज्जर गुज्जर से चिढ़ रहे हैं, इसने बदनाम कर दिया गुज्जर, जो गुज्जर है विधायक, हम मैंने वोट दी, इसने भी दी, सबने वोट दी, डट के थे हम शशिकांत के खिलाफ थे, लेकिन उसके कारनामे देख कर उसकी उसमें बदनामी करवा दी गुजर जाते की, इसलिए और ये धर्म कर रहा है, ये गांव का है। और एक और बात थी, पिछली दफ़ा किसी जाट ने चुनाव नहीं लड़ा था तो जाट गुड्ढा की वजह से इसकी तरफ ज़्यादा वो कर गए, मतलब कांग्रेस की तरफ, और अब की बार जाट जाट को वोट देगा, बहुत कम गुड्ढा के साथ जाएंगे बहुत कम, और शशिकांत ब्राह्मण की वोट है, कुछ भाई बीजेपी की वोट भी है, सैनियों की वोट है, गुजरू में किसी कम नहीं है, शशिकांत पूरे हल्के में गुजरू में किसी कम नहीं है, चूलकाने के एक घर की 10-10 रिश्तेदारी, 12-12 रिश्तेदारी, 15-15 रिश्तेदारी 27 में है, रुवाड़ू में है, सबके हाथ जोड़ेंगे मनाओगे, और अब की बार गाँव की पुकार है, हल्के की पुकार है, ये भी गुजर है, ये आ गया शशिकांत की देंगे भाई, शशिकांत की बस। क्या बात है, ऐसी क्या कारण है शशिकांत की वोट देनी हमने, क्या चाहे कुछ हो भाई। दो बार बीजेपी ने टिकट दिया, वो तो जब जीत नहीं पाए, अब कैसे जो है बीजेपी भरोसा करे? निर्मल चौधरी 4 बार हारेगी, निर्मल चौधरी 4 बार आएगी, 5वीं बार में नहीं बता, ठीक है भाई मैं बताऊं, सरू में 33,000 वोट आई थी, इतनी बढ़ोतरी, इतना ग्राफ बीजेपी का पूरे हरियाणा में कहीं नहीं बढ़िया,
जितना यहाँ बढ़िया 68,000 वोट आई। अब की बार मतलब पहले 33 थी, फिर 68 आई, और अब की बार 68 से दुगुनी लगा लो अगर बीजेपी टिकट देती है तो। और बीजेपी अगर बीजेपी ने ऐसी गलती करी तो पूरा हल्का मतलब ये बात समझ लेगा कि भाई वो भाई वोट दूसरे तरीके से गई है, वोट दूसरे मतलब टिकट दूसरे तरीके से गई है। अगर नैतिकता के धर्म के और काम के हिसाब से तो बीजेपी की टिकट की का दावेदार शशिकांत होता है, मतलब होना चाहिए। उनसे पूछेंगे क्या नाम है ताऊ जी आपका? जगदीश है मेरा नाम। आप बताइए आपके मन में है बीजेपी किस पे भरोसा जताए? बिल्कुल है, किस पे जताए भरोसा? बैकवर्ड रीजन सभी हल्का इसके साथ में है। किसके साथ में? शशिकांत के। अच्छा, हाँ। शशिकांत ही क्यों जरूरी है? उसके अलावा और भी तो बहुत सारे चेहरे हैं। करवा रहे हैं धर्म, करवा रहे हैं कार्य हो रहे हैं, जो आजकल MLA नहीं करवा रहे हमारे यहाँ है, जो मौके पर होते हुए काम नहीं करवा रहे, वो मतलब सामूहिक काम शशिकांत करवा रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ से जो है जो विधायक है धर्म सिंह छोकर, उन पर उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में उनसे उनके तो है ही नहीं, हम उनसे तो हमने वोटें नहीं दी, बिना वोट के में विधायक बन गए। कांग्रेस वालों ने दी, हम तो बीजेपी के है। बीजेपी के जब काम नहीं कर ऐसा करा धर्म सिंह छोकर, धर्म सिंह नहीं कर रहे, हमारे लिए वोट है हमारी बीजेपी की। आपके आगे विधायक है धर्म सिंह छोकर, उनके उनके बारे में क्या कहेंगे? विधायक है वो, बाकी उसकी चलते नहीं हल्के में ना कोई काम करवा रहे, जो शशिकांत बिना बने करवा रहे है काम, सामूहिक काम करवा रहे, दान पुण्य कर रहे हैं। कुछ युवा भी है हमारे साथ में, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है भाई आपका? नाम क्या? नाम जोनी है भाई। अच्छा जोनी भाई, पूरा नाम बताओ। मेरा जोनी कौशिक है भाई। अच्छा कौशिक साहब, तो आप तो कौशिक जी की बात करेंगे? हाँ भाई सही हुआ भाई, ठीक है। मेरा बड़ा भाई यही बात करेगा आपसे भाई साहब, यू बात करेगा हमने इतना। आप बताओ किसका टिकट होना चाहिए बीजेपी, किससे भरोसा? अब की बार भाई शशिकांत कौशिक। क्या दीजिए शशिकांत कौशिक ने? दो बार बीजेपी ने भरोसा जताया तो दिया, इस बार कैसे भरोसा जताए बीजेपी? काम देखो ना, अब की बार इसके काम देखो, जनसेवा देखो। दो बार टिकट दिया हो, काम देखे कुछ चीजें देख के तो दिया होगा। पहले लोग धर्म सिंह छोकर की तरफ थे, लेकिन अब पार्टी चेंज होगी ना, तो अब शशिकांत कौशिक की तरफ है। काम देख रहे, उसका सब कुछ देख रहे हैं, तो लोग अपने आप ही विश्वास शशिकांत कौशिक की तरफ चले गए अब की बार। पहले उनका विश्वास था धर्म सिंह छोकर की तरफ, लेकिन अब जनता का विश्वास, छत्तीस बिरादरी का विश्वास शशिकांत कौशिक की तरफ है भाई, तो शशिकांत को टिकट होना चाहिए। हाँ भाई, धर्म सिंह छोकर जो आपके यहाँ के विधायक रहे, उनसे खुश नहीं है आप? उनसे खुश होते तो फिर उसके साथ ही रहते। उनमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या आई? काम ही नहीं कर रहे, जो उनके वादे थे सब फैला है। मैंने रोडे बना दी, सड़कें बना दी, स्कूल खुलवा दिए, जो है जगह जगह सब बसों की सुविधा मैंने अपनी जो है विधानसभा में करा दी। अगर जो ऐसा होता तो फिर उसको ही टिकट मिलती, उसको ही वोट देते ना हर बार। 1,00,000 से जीत का दावा कर रहे हैं धर्म सिंह छोकर जी। कोई बात नहीं, अब की बार शशिकांत कौशिक को टिकट मिलने दो, अब की बार टिकट मिलने दो, इसको अपने आप ही पता लग जाएगा। काम देखेंगे ना अब की बार जनता। समीकरण है आपके पास में धर्म सिंह छोकर जी के पास में? समीकरण है कि जो है और जिस पार्टी से वह है उसकी वजह से उन्हें जाट की मिलेगी और अन्य समाज की मिलेगी, गुज्जर समाज की मिलेगी और भी जो है तमाम जो है तरह की वोट मिलेगी उन्हें। आपके पास क्या समीकरण है भाई साहब? शशिकांत कौशिक के साथ ना 36 बिरादरी है, गुज्जर भी है, SC से भी है, BC से भी है, सब भी है, दलित भी है और अपने जनरल के भी है, सब है उसके साथ। क्योंकि मोहन बड़ौना भी जो है अपनी पूरे जो है टिकट की वो लेके चल रहे की टिकट मेरा होगा भाई, उसको कौन जानता, कौन है उसको कौन जानता। पिताजी विधायक रहे हैं, पिताजी चले गए ना, वो पुराने टाइम की बात है, अब युवा, अब की बात है ना, अब युवा है, युवा शशिकांत के साथ है, उसको जानते हैं, चेहरा देखते हैं ना लोग। मनमोहन भी तो युवा है, लेकिन उसका चेहरा कौन जानता है? चेहरा तो शशिकांत को सिक्का है भाई, वो एक भी नेता युवा, एक भी नेता 15 साल तक लग रहे सेवा करण, एक महीने तक उसके पिताजी नहीं रहे पहले यहाँ से विधायक, दो तो जानते नहीं ना इस बात ने, पिताजी राग ना ना रहा, युवा कोई नहीं जानता उसके पिताजी को कब आगे चले गए, लेकिन युवा तो अब देख रहा है ना, अब शशिकांत को सीखा है, शशिकांत को टिकट होना चाहिए, अगर ना हुआ फिर का होगा भाई, आप देख सकते हैं जो है जी। भाई साहब आया बड़े, बताओ क्या नाम है आपका? अमित है भाई, अमित है पंडित जी, माहौल है चुलका सीखा भाई, शशिकांत को सीखा कल के मैं पूरे में 84 गांव में शशिकांत को सीखा कह रहे शशिकांत कौशिक पे जो है दो बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जता दिया, अब फिर कैसे कैसे जताए? अब की बार पूरा भरोसा जनता में काम कर रखे ना शशिकांत कौशिक ने, पहले तो जीत नहीं दर्ज कर पाए दो बार में, यो बढ़ाना ही बाया जनता पहले कड़ा दी, पहले नहीं दिखा दी ना, ये दो महीने का बढ़ाना आया जनता कड़ा कर बाढ़ पड़ो कड़ा की बढ़ाना
दो प्लान यू फरीदाबाद में कौन लड़ता यू आया। अच्छा ये बताओ मुझे आप जो है फरीदाबाद में कौन लड़ता यू बडाना वहां भी तो गुजरों का लड़का यू री दिखा है समझ लड़का है सब कुछ और कड़ी भी तो वहां चल जाओ। अच्छा ये बताओ मुझे आप भूख है एरिया बताएगा वो भूखा बताएगा ना समझ लड़का चुरासी का मुना भूखा बता हुआ भूखा भूखा गई यू उसके मारिए बैठा गई हम इसको नाम नाम के बैठा वाली बात मैंने भी कही शशिकांत कौशिक भाई अर से टक्कर दे रहा था जीतेगा शशिकांत कौशिक जीतेगा बडाना 7:30 बजे दबा देगा बडाना 7:30 बजे धर्मानू का दिया चल जाने करो फरीदाबाद का नेट गाड़ी करवा देगा उसकी 7:30 बजे 7 बजे पोलिंग चालू और 7:30 बजे ही कह देगा शशिकांत को टिकट नहीं मिलती। बताओ मुझे मनमोहन से आपको इतनी दिक्कत क्यों है जो आपके मन में इतनी चीजें जो है मनमोहन के बढ़ाने के लिए जो है युद्ध भी नुखड़ बखता है रे अगला 15 साल हो गए शशिकांत को सिख जनता दरबार में सेवा कर रहा यू गरीबान सोगी भी सुनता है फिर उस तक कह दे वो कर रहे हो भूकन वाली बात आप बता रहे भूकन वाली बातों में मैंने कई लोगों से बात करी वो कह रहे कि ये नहीं कह रहे थे कि भूकन मतलब कि भूखे हैं ये उनका कहने का मतलब ये था कि जो है इन लोगों को भूख लगी है ना खाना खिला दो रपिया गए उसमें बोल दिया वो रपिया था वोट नहीं आ कर दी वोट आती है मन से ठीक है बाउन से दिल से शशिकांत को सिखाओ जो जनता दरबार की सुनता है मनमोहन बढ़ाने ने तो बड़ा काम कर रखा लोगों के बीच में लगातार मेहनत कर रहे हैं दो भी ना पहले आई पी सब काम कर दिए और जनता बंद जो 13 साल थी बाढ़ में पड़ो दो नू नहीं हो करता मेरे भाई 15 साल में शशिकांत को सिग्ना कर रखे यहाँ हल्के में चुरासी गांवों में। अच्छा मनमोहन को टिकट होगा तो आप फिर किससे मनमोहन को या कौशिक को बीजेपी किसी को भी टिकट दे तो किससे मुकाबला मानेंगे जो शशिकांत तो देगा भाई कति तन मन धन से है और नहीं तो धर्म सिंह 7:30 बजे का दिया बडाना था अपने घरों चल जा फरीदाबाद का नगाडी हो जाएगी धर्म सिंह को मजबूत स्थिति में मान रहे हो हाँ फिर तो है नहीं फिर तो मुझ को मैं देगा अगला फिर नहीं काबू मानता अगला चंडीगढ़ गाड़ी रुकेगी अगले की फिर यहाँ से बता दिया हमने तो शशिकांत कौशिक को मिलती है तो जीत की जीतता यू 101% शशिकांत कौशिक यहाँ से बीजेपी से बनता है। अगर शशिकांत को टिकट नहीं मिलती यहाँ से बीजेपी हार कर जाओगी संभाल के हल्के से धर्म सिंह जीत जाएगा यहाँ से मेरे पता लग गया खेत से आ मैं बह गया खेत से आया मैं फोन कर दिया मेरे द्वारा नूनू पत्रकार आ रहा तो मैं खेत से काम छोड़ के आया हूँ यार याद है भाई खड़ी शशिकांत को सिखा दो भाई टिकट तो आप देख सकते हैं चुलकान में मौजूद था यहाँ के लोगों से बातचीत की जाना कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है यहाँ पर टिकट क्लियर नहीं किया है टिकट को लेकर जनता में काफी हलचल है कि आखिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस पर भरोसा जताएगी क्या